अस्सलाम वालेकुम जी। एक साहब जो थे वो एक बर्तन उठा के एक जगह से गुजर रहे थे और सामने से उनके हम मनसब एक दूसरे साहब आ गए, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये बताओ कि इसके अंदर कितने अंडे हैं तो सारे तेरे, इसके अंदर क्या है तो सारे तेरे। तो वो दूसरा साहब जो थे वो सोचे पड़े, कहते अगर आपने सही बताया तो 6 के 6 अंडे तुम्हारे। ये जो हालत है, ये बचपन में एक लतीफा हम आज भी बच्चों को रटाते हैं और ये मतलब के वो जोक। तो इसी तरह जो है वो हमारी जो हुकूमत है वो तमाम बातें जो है, तमाम इशारे कनाए जो है वो पहले बता देती है। हमारी जो इमरानिया हुकूमत है, आप उसे इस्तादा हुकूमत भी कह सकते हैं अगर आप मुनासिब फरमाएं, आप उनको तनसीब शुदा हुकूमत भी कह सकते हैं, और आप उनको अगर ज्यादा गुस्से में हो तो यूथिया मजहूल अल कौम अल जाहिलिया लिल अक्ल अल महदूद लिमिटेड एडिशन भी कह सकते हैं। और बड़ी कमाल की चीज है, वो सब कुछ पहले बता देते। 25 जनवरी को हमने उनकी इन्हीं हरकतों के बायस एक वीलॉग किया था। उस वीलॉग के आखिरी 4 मिनट सुन लीजिए। मैंने उस वक्त कहा था कि कोकर पैलेस जो है वो कह रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पे हमने जाती उम्रा की रिहर्सल की थी, रिहर्सल की है, तो जाती उम्रा की रिहर्सल जो है अब हमने जाती उम्रा को गिराना है। अब हमारे जहन में ये बात नहीं समा रही थी कि ये कैसे गिराएंगे ना, उसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी। जस्टिफिकेशन उन्होंने इस तरह निकाली है कि उन्होंने जो है वो ओरिजिनल इंतकाल जो है ओरिजिनल इंतकाल जो है वो कैंसिल कर दिया। अब आप कहेंगे ये क्या बात है। देखिए, एक साहब या साहिबा, जैसे इस केस के अंदर वहीदा खानम है या वहीदा बीबी है, उनको सरकार की तरफ से जमीन अलाट होती है। और सरकार का महकमा कौन सा है? महकमा औकाफ का, ठीक है। महकमा औकाफ की जमीन उनको अलाट हो जाती है किसी ना किसी स्कीम के तहत, ठीक है। और वो मतलब के 1989 में उनको अलॉट होती है और वो 1992 में ये जमीन जो है आगे उनकी वालदा को मुंतकिल कर देते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की वालदा को, और यानी उनको बेच देते हैं, मुंतकिल नहीं करते, बेच देते हैं। और यूं वो जो है वो आगे उनके बच्चों के नाम के ऊपर और बच्चों के बच्चों के, शमीम बेगम के बच्चों और बच्चों के बच्चों के नाम के ऊपर मुंतकिल हो जाती है। तो ट्रांजेक्शन कितनी हो चुकी है, वहीदा बेगम, शमीम बेगम, शमीम बेगम के बाद उनके मेरा ख्याल है एक ट्रांजेक्शन हस्बैंड के नाम पे भी है, लेकिन उनके हस्बैंड के नाम 3 ट्रांजेक्शन, फिर बच्चों के नाम, बच्चों में नवाज शरीफ आ गए 4th ट्रांजेक्शन, और नवाज शरीफ साहब ने अपनी ट्रांजेक्शन अपने बच्चों के नाम कर दी हुई है, ठीक है, उन्होंने सेटलमेंट कर ली। 5 ट्रांजेक्शन हो चुकी है, ठीक है। सरकार ने क्या किया, पीछे से आके तो वो काट दिया है, कनेक्शन काट के कहा है कि ये जो वहीदा बेगम को महकमा औकाफ से ये अलॉट हुई थी वो ही गलत थी। जिन्हें आप अंदाजा करें कि पिछों जाके कनेक्शन काट दिया और कहा कि जनाब ये नाजायज है। भाई ये नाजायज तो अपने राणा साहब, सॉरी गिल साहब, शहबाज गिल साहब, ये तो फिर भी जो है वो कल्प्रिट साबित नहीं होता, क्योंकि इन्होंने तो अपनी तरफ से फेयर ट्रांजैक्शन ली थी। जो इनको माल बेचने वाला था और मुश्तरी इशार बाश, इन्होंने जाके पूरा रेवेन्यू का वो रिकॉर्ड चेक किया था। अच्छा खैर, ये जो हमने इस पे जो पहले वीलॉग किया था ना, वो उसका वो वाला हिस्सा सुन ले जिसमें हमने ये बात कही हुई है। लेकिन जो बात मैंने आपको इन बिटवीन कही थी कि ये रिहर्सल थी, रिहर्सल क्या थी, किस चीज़ की थी, वो अगर आप इमरान लालेका साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर की सोशल मीडिया टीम को हेड करते हैं और एक इंतहाई फजूल नाहिंजार चवल के, खैर पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के अंदर सारे चवल हैं, वो रंडी वाला जो ट्रेंड चलाता है ना, वो ये बंदा है, ठीक है। और वो कभी मुंह में सिगार लेके और जनाब वो चवलों की तरह किसी नाइट महफिल के अंदर जो आउट हो के नाचना नहीं शुरू कर देते, ग्लास, हमारे तो खैर ग्लास रखने की जगह ही नहीं है, उस टाइप का एलिमेंट है ना। और एक वो जो खातून थी कुछ दिन पहले और आजकल मोहतरम हो चुका हुआ है अमजद वकास, इन दोनों ने जो ट्रेंड चलाया
उसमें ये था कि अब इसके बाद जो है वो जाती उम्रा के ऊपर बुलडोजर फेरेंगे। तो मैंने कहा कि जाती उम्रा के अंदर कहाँ बुलडोजर फेरेंगे। तो फिर मैं गया जी वहाँ पे सैर करके आया, तो वो जो इस साइड के ऊपर पार्किंग बनाई हुई है, उस पार्किंग की जो बाहर वाली दीवार है वो सड़क के पास आ गई हुई है, बन गई हुई है, ठीक है। तो वो जंगला गिराया जाएगा जी, मेरी छठी इसके मुताबिक, और जंगला गिरा के उसके बाद नारे लगाए जाएंगे, बबलियां मारी जाएंगी कि हमने जाती उम्रा का ऐसी तैसी कर दी। चूंकि नून लीग ने प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं की, आखिर में ख्वाजा साद रफीक पहुंचे, ज़ारा मरियम तो नहीं आ सकती थी ना वहां पे, ठीक है, या शहबाज शरीफ साहब तो कैद थे, वो तो नहीं आ सकते थे सिंबलाइज करने। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो लाहौर की सतह के ऊपर भले वह मीनारे पाकिस्तान में जलसा कराना हो, कोई और चीज़ कराना हो, साद रफीक साहब फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं। साद रफीक साहब अपनी टीम के साथ पहुंचे वहां पे और उन्होंने आके उनके साथ यकजहती का इजहार किया, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग रद्द अमल नहीं दिया PMLN ने, और उसको नाम दिया कि हम जनाब जो है वो कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। आप कानून को हाथ में ना लीजिए, वो जाती उम्रा हाथ में लेने के लिए आ रहे हैं, और आप जाके देखें वो अपने लोगों को किस तरह ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और उसके ट्रेंड्स बना रहे हैं। और ये रिहर्सल थी जी, फुल ड्रेस रिहर्सल किया उन्होंने पुलिस की सरबराई में, और आइंदा जो आप देखिएगा इसके साथ वो सर पे दो रंगे दुपट्टे बांधे हुए वो भी आएंगे, ठीक है। अब तैयार रहिएगा मियाँ साहब, आ रहे हैं, वो सिविलाइज करना है ना उनको, उन्होंने जॉम्बीज को बताना है ना कि देखा ना फिर घर तोड़ा जाती उम्रा उल्टा हाल था ना, यहाँ ये वाली ये माइंड सेट है जी, ठीक है। तो ये हुआ जी लाहौर के अंदर। तो मैंने कहा कि ये क्यों हुआ है, ये फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है, किस लिए हुई है, कि अगला अटैक जाती उम्रा पे होना जी। ये हिस्सा आपने सुना है और इसके अंदर हमने आपको उस दिन बता दिया था, लेकिन कमिंग बैक टू दैट टॉपिक जो मैं इससे पहले डिस्कस कर रहा था, और वो ये था कि जनाब हजूर वाला अगर ये ट्रांजेक्शन वहीदा बेगम के साथ गलत हुई है तो इसका जिम्मेदार या तो महकमा है या वहीदा बेगम, ठीक है। और जब वहीदा बेगम से शमीम अख्तर मरहूमा ये जायदाद खरीदने लगी तो इन्होंने जाके पूरा चेक किया और महकमा माल ने उनको लिख के दिया कि जनाब ये जमीन क्लियर है और इसके ऊपर कोई झगड़ा नहीं है, इसकी ट्रांजैक्शन पहले वाली जो है वो सही हुई हुई है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, अब वो जो वहीद वो जो गुशकोरी साहब है, जाहिद गुशकोरी साहब जो है वो ये बात ढूंढ रहे हैं, और जिन लोगों ने ये डॉक्यूमेंटेशन की है या ये फ्रॉड किया है या जो कागजात के अंदर ट्रांसफर के अंदर जो दो नंबरी की है उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये क्लेम तो हमने कर दिया है कि ये ट्रांजेक्शन दुरुस्त हुई थी, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट हमारे महकमे में किसी के पास नहीं है, ना ही किसी के अंदर इतना तप्पड़ है, ना ही कोई इतना बच गया है पुराना बाबा कि जो इसके रिकॉर्ड में इस क्लास की टेम्परिंग करे कि वो अदालत में पकड़ी ना जाए। तो लिहाजा इस वक्त पूरे महकमे के अंदर सरासीमगी का आलम है कि ये बयान तो हमने दे दिया बना के, एक स्टेटमेंट तो बना के दे दी है, लेकिन कल को अदालत जब इसके अंदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पेश करेगी, क्यों करेगी अदालत सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि जाती उम्रा वाले जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट लेके आएंगे। अब या तो महकमे को कहना पड़ेगा कि ये सारे फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो है वो महकमा के तो होंगे नहीं, तो महकमा कैसे कहेगा कि ये फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट होंगे माल महकमा माल के होंगे, वो महकमा जो है औकाफ के तो होंगे ही नहीं, ठीक है ना। अब टेक्निकली समझे ना कि अब उसकी ट्रांजैक्शन की फेयरनेस के ऊपर कौन बयान देगा, महकमा माल बयान दे, और ये किसने कैंसिल की है, महकमा माल ने के जरिए ही की है, गई है, लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंट किसने प्रोवाइड किए हैं, महकमा औकाफ ने, और महकमा औकाफ कहता है कि हमारे को पास कोई ऐसी जस्टिफाइड वैलिड रीजन ही नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कह सकें कि हमने ये किया है। ये कितनी अहमकाना हरकतें करते हैं, लेकिन इससे बड़ा जुल्म क्या है, इससे बड़ा जुल्म ये है कि इसके जो मुतासरीन है, इस जानवर के जो जानवर मुतासरीन है वो इसके ऊपर बिलीव भी कर लेते, ठीक है। तो लिहाजा उन ज़ॉम्बीज़ के इस टोले को इंजॉय करने दें, नाचने दें, गाने दें, और आप जो है मरियम औरंगजेब हमारी बहन है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है अल्लाह तारक के हमरा, उसके अंदर उन्होंने अपना पूरा केस प्लीड कर दिया है। हमने इस हरकत की पेशगोई जो थी वो आज से
ठीक को 3-3.5 माह पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर दी थी कि पैर ऐ होने लगा है। और अगली बात यह है कि जिस तरह उन्होंने खोखर पैलेस के अंदर तमाम अदालती हुक्म हाय इम्तनाई के बावजूद हरकत फरमाई थी और उसके बाद अंदर बैठ के अदालत से भी माफी मांग ली थी और खोखर बरादरान से भी माफी मांग के पूरी की पूरी जमीन वापस कर दी थी, लेकिन ये चीज मीडिया पे नहीं आई, मीडिया पे सिर्फ यही आया खोखर पैलेस उड़ा के रख दिया, ठीक हो गया। इसी तरह का आज ये मैं आपको कह के जा रहा हूं, इसी तरह का एक ऑपरेशन अगले 48 से 72 या 96 घंटे के अंदर किया जाएगा, जिसके अंदर जो है वो महकमे वाले तो कहेंगे कि जनाब हम कुछ नहीं कर रहे, हाथ जोड़ रहे, वो मीडिया के ऊपर एक कंपेन, और मीडिया आपको पता है ना, मीडिया के ऊपर एक कंपेन लॉन्च की जाएगी कि ये नाम नवाज शरीफ जो है ये तो जाती उम्र बलाई नजायज जमीनों के ऊपर था, ठीक है, ये साबित करके एक कंपेन रन की जाएगी। और यूं जो है देखा जाएगा कि शहबाज शरीफ और जरीदा फारूकी जो है वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ के ऊपर कितने बयान देते। आखिरी फिक्र को एंजॉय करना आप, आज के लिए इतना ही, अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खलके खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।